आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीएचए आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर की। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का एक दल दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। दिल्ली कूच की तैयारी की जा रही थी, बीती रात से ही अब रवाना हो चुका है, ऐसी खबर है कि दिल्ली में कहां हालांकि आंदोलन करेंगे। इस बात का तो खुलासा नहीं हो पाया, कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन सूत्रों के हिसाब से अगर माने तो सोनिया गांधी आवास के बाहर सीएचए पहुंच सकते हैं, कोविड हेल्थ वर्कर वहां पर पहुंच सकते हैं, ये भी बता दें। दूसरी तरफ जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना जारी रहेगा, एक दल दिल्ली कूच के लिए रवाना हुआ है। बाकी तमाम बड़ी गिनती में जो स्वास्थ्य कर्मी लगातार धरने पर बैठे थे शहीद स्मारक पर, वहां पर बड़ी संख्या में अभी भी मौजूद हैं, उनमें से एक दल दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। बता दें कि बीते एक दिन पहले पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश चौधरी ने इनसे मुलाकात की थी, भरोसा दिया था कि इनकी मांगे सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे, सरकार से बात करेंगे, कानूनी अड़चने हैं उसका भी कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन शाम तक जब इन्होंने इंतजार किया, 24 घंटे बीत गए उसके बाद, हालांकि इन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर इनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन जो भरोसा मिला था हरीश चौधरी की तरफ से उसके बाद दिल्ली कूच स्थगित कर दिया गया था। विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, आप लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़कर भी स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत के जरिए इनकी मांगों के बारे में बताते रहे हैं। अब एक दल जो दिल्ली रवाना हो चुका है, क्या माने इसको कि अब सबर का बांध जो है वो टूट गया है इनका? बिल्कुल गगन, ये सही बात है कि जो सीएचए के आज 22वां दिन हो गया इनके धरने को लेकर, और ये लगातार न तो हालांकि पक्ष और विपक्ष के नेता उनसे मिलने आ रहे थे, लेकिन कोई भी उन्हें ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा था। और इसको लेकर कल परसों जो पूर्व राजस्व मंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं हरीश चौधरी, वो पहुंचे थे, उन्होंने 48 घंटे में कोई ना कोई समाधान निकालने की बात कही थी। और इसको लेकर उन्होंने जब टाइम पीरियड खत्म हो गया तो अब सब्र का बांध टूटने के बाद जो एक दल है वो वहां दिल्ली कूच कर गया, और अब वहां संभवतः सोनिया गांधी के बाहर जो आवास के बाहर धरना दे सकते हैं, या फिर कोई राहुल गांधी से मिलकर अपनी बात कह सकते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब आलाकमान तक, कांग्रेस आलाकमान तक अपनी बात पहुंचानी थी और इसलिए कूच किया है। हालांकि एक बात स्पष्ट कर दूं कि दूसरी तरफ जो चिकित्सा मंत्री है प्रसादी लाल मीणा, उन्होंने स्पष्ट किया है कि सीएचए को उन्होंने वो नीच रोजगार देने की बात नहीं कही थी, क्योंकि उन्होंने उस समय कोविड के लिए उनको लिया था और अब कोविड खत्म हो गया तो ऐसे में वो नहीं ले सकते, यानी उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया है कि इसमें बात करने जैसी कोई बात ही नहीं है। तो इसको लेकर एक बड़ी मुश्किल इन लोगों के सामने आ सकती है, क्योंकि एक तरह से सरकार का स्पष्ट इनकार है ये। लेकिन मंत्री की तरफ से जो भरोसा दिया गया है, जो बात कही गई है कि होमगार्ड की तरह समायोजित किया जाएगा, लेकिन होमगार्ड भी तो परेशान है। बिल्कुल गगन, ये सही है कि होमगार्ड जो है वो अभी उनको ही पूरा रोजगार नहीं मिल पा रहा है। करीब 30,000 होमगार्ड है, उनमें से 10-12,000 होमगार्ड को रोजगार, नियमित रोजगार मिल पा रहा है, और अब उनकी जो मांग थी लगातार, उसके बाद मुख्यमंत्री ने 10,000 करीब 12,000 होमगार्ड को सरकारी विभागों में लेने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक वहां वो प्रोसेस चल ही रहा है कागजों में, फाइलों में। ऐसे में होमगार्ड खुद परेशान है, तो इन्हें होमगार्ड की तरह ले ही नहीं सकते, क्योंकि होमगार्ड नियमित बेसिस पर काम करते हैं, तो उनको अभी लेना मुश्किल है, ऐसे में संभव नहीं है, क्योंकि अगर होमगार्ड की तरह रहते तो होमगार्ड को भी जो रोजगार है वो दिया जाना चाहिए। तो इसको लेकर लगातार जो वो मांग कर रहे हैं, अब इनकी मांग है ये संभवतः हो नहीं पाएगी, होमगार्ड की तरह भी लिया जा सके। हालांकि अब सरकार अगर चाहती है तो कोई ना कोई रास्ता निकाले, लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री है उनके बयान के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार उन्हें उस पर नौकरी पर या संविदा पर लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत बड़ी है, करीब 28,000 कोविड सहायक है जो इसमें हटाया गया था, जिनको जो आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में इन 28,000 होमगार्ड को एक साथ रोजगार देने के, क्योंकि अभी समस्या जो है और ज्यादा विकराल होती हुई नजर आती है। विष्णु, आप लगातार इस खबर के साथ जुड़े रहिएगा। दिल्ली कूच कर दिया गया है, रवाना हो चुका है एक दल, आगे कैसे आर पार की लड़ाई को एक दिशा दी जाएगी इस बारे में नजर बना के रखिएगा।
तो कई तरह के सवाल जो उठ खड़े होते हैं, क्योंकि तो भरोसा मिला था, भरोसा मिला उसके बाद कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से नहीं आया, जिसके बाद अब दिल्ली रवाना हो चुका है एक दल। आगे बढ़ेंगे, नौकरी फिर से बहाल करने की मांग को लेकर पिछले 22 दिनों से जयपुर में धरना दे रहे सीएचए ने, कोविड सहायकों ने, दिल्ली कूच का फैसला किया। दरअसल